आगे यस मैम। इक्वल टू आईपीएमटी। आईपीएमटी कमांड हम कब यूज करते हैं? जब हमें कैलकुलेट करना होता है इंटरेस्ट। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया इंस्टॉलमेंट। ये कुछ समझ नहीं आएगा, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इजी समझ आ जाएगा। तो इसको लिख लो आप कि आईपीएमटी हम कैलकुलेट करते हैं, आईपीएमटी हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट। जब हम लोन लेते हैं तो अगर हम इंस्टॉलमेंट में उसको पे कर रहे हैं तो एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट हम कर रहे होते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आईपीएमटी। डन। यस सर। पीएम इसमें होता है आपका एक स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट आपने जो यहां पर कैलकुलेट की है उसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना इंक्लूडेड है। अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट अमाउंट कितना है आपकी इंस्टॉलमेंट में, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपकी इंस्टॉलमेंट में। वो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू पीपीएमटी, प्रिंसिपल इन इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला था, ये आपका इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट में हो गया, ये प्रिंसिपल इन इंस्टॉलमेंट में हो गया। ठीक है, इतना आगे चलूं। यस सर। किसी का अगर कोई डाउट आता है तो इतना ना बच्चे इतना लेट लेट जो कर रहे हैं आप। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो ना मेरे को ग्रुप में टैक्स करेगा। ठीक है, टैक्स करते हैं ना। मैं एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सॉरी, वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है सबके साथ, ब्रेक हो रही है। सर हाँ, वॉइस की तो प्रॉब्लम ये सर, सर मेरे मेरे नहीं आ रही सर, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा, आप ना नेटवर्क चेक करो क्योंकि यहाँ से तो मुझे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, और अपना ना एक बार नेटवर्क चेक कर लो क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगा तो सबको होगा मेरी साइड से। अगर होगा तो सबको तो नहीं हो रहा है ना वॉइस प्रॉब्लम, या सबको है? नो सर, नो सर। तो ठीक है ना, वो नेटवर्क इशू की वजह से कभी कभी कटेगा वो वॉइस, तो उसका तो शायद हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो आपने जो भी प्रॉब्लम होगा आप ग्रुप में मैसेज करते रहना। आनी तो मैम गए। हाँ, मैम अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप मेरे को टेक्स्ट चैट में से देखकर बता देना कि कोई क्वेश्चन है सर। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता रहूंगा नहीं तो। ओके सर। ठीक है, अब है अगला आपका फोर्थ नंबर। आप कम CUM प्रिंस, इसको लिख लो आप इक्वल टू कम प्रिंस। इसका ये यूज होता है आपका कैलकुलेट करने के लिए क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब कलेक्टिव। क्यूमुलेटिव मतलब कलेक्टिव, मतलब कि आप एक पांच से लेके, अगर मैं एग्जांपल लूं, पांचवी इंस्टॉलमेंट से लेके दसवीं इंस्टॉलमेंट में आपने कितना प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वो क्यूमुलेटिव है, मतलब कलेक्टिव प्रिंसिपल आपका अमाउंट कितना होगा उस पांच से दसवीं इंस्टॉलमेंट जो आपने दीजिए उसमें। समझ आया क्या? दोबारा बोलूं इसको मैं। सर समझ आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने प्रिंसिपल की बात की, यहाँ पर हम नीचे करते हैं इंटरेस्ट की बात की। पांचवी से लेके दसवीं इंस्टॉलमेंट जो आपने पे किया है उस टोटल अमाउंट में टोटल इंटरेस्ट कम्युलेटिव इंटरेस्ट कितना था, तो कम आईपीएमटी उसके लिए आप यूज करते हैं। डन। यस सर। आता है आपका, ये फाइनेंस वाले बच्चे इजिली समझेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। परसेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस परसेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो यहाँ पर परसेंट वैल्यू की बात करते हैं। परसेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे आज आपने अगर किसी को 100 रुपये उधार दिए तो उसकी एक साल बाद वैल्यू क्या 100 रुपये रह जाएगी? जो आज आप 100 रुपये में सामान खरीद पा रहे हैं वो एक साल बाद 100 रुपये में खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। अब इतना ज्यादा मत सोचो, मैं फॉर्मूला बता दूंगा बस आपको, जो फाइनेंस के वो इजिली उसको कर लेंगे ग्रैप। ठीक है, तो इसका होता है
फॉर्मूला इक्वल टू एनपीवी, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो आपको कमाना ही कमाना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका इज इक्वल टू आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है इतना? यस सर। लॉजिकल अभी छोड़ दो, लॉजिकल फंक्शन बाद में करेंगे, अभी मैं आपको फाइनेंशियल फंक्शन का एक क्वेश्चन करा दूंगा तो आपके लिए इजी रहेगा। प्रॉब्लम जो हमें प्रॉब्लम करनी है अभी, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये आपका पेपर है, एनसीएसएल का पेपर है मेरे ख्याल से ये। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कोई भी। अच्छा ये देखो राउंड, अब कर लोगे इसको आप इजीली, ये जो राउंड आपको गिवन है। yes, तो अब तो समझ आएगा ना ये क्या है, राउंड अप राउंड डाउन, तो इजीली अभी हो जाना चाहिए आपसे। ये है क्वेश्चन नंबर 8A, इसमें क्या है, पहला पॉइंट है आपका लोन एंड लीज का, न्यूमेरिकल जो आते हैं लोन एंड लीज। तो लोन एंड लीज में आप कैलकुलेट क्या करते हैं, आप अगर आपने लोन लिया है सपोज करो, तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, उसको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी देंगे, वो सब कैलकुलेशन आप लोन एंड लीज वाले पार्ट में करते हैं। तो लोन एंड लीज में आप करेंगे क्या, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, आप पर्सन टेक अ कार लोन, उसने कार लोन लिया 3 लाख रुपए का, उस पर इसको इंटरेस्ट पर एनम कितना देना है 8%, कितने साल तक देगा वो, उसने बोला मैं 10 साल में ये पैसे वापस कर पाऊंगा, तो उसने टाइम कितना लिया है 10 साल। ठीक है क्वेश्चन समझ आया, आपने 3 लाख रुपए लिए हैं 8% की दर से 10 साल के लिए, वही चीज यहां पर लिखी है आपकी, ये एक्सेल शीट में लिखी हुई है बस। अब आपको करना क्या है, आपको राइट है एप्रोप्रिएट फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब मैंने बोला आपको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी आपने लिखा होगा पीएमटी इक्वल टू पीएमटी, तो वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट फॉर फोर्थ, अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आपको प्रिंसिपल निकालना कितना है, तो फोर्थ मैंने बोला स्पेसिफिक एक अगर पेमेंट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, पीपीएमटी। समझ आ गया, यहाँ पर प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं मैम, पीपीएमटी होगा, प्रिंसिपल मतलब पीपीएमटी और आई इंटरेस्ट मतलब आईपीएमटी, ये याद रखना। तो दोनों दो चीजें पूछी आपसे और ये 5 मार्क्स का है बस, ये आपको 2 मिनट ही लगेगा लिखने में। क्वेश्चन समझ आया किस टाइप का है, मैं बताऊंगा अभी बताऊंगा भाई, क्वेश्चन समझ आया आपको? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर लोन एंड लीज स्टेटमेंट, आपका फंक्शन पहला मैंने पीएमटी बता दिया इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए। अब एक चीज ये लिख लो कि जब भी आपको किसी वैल्यू की किसी सेल में वैल्यू फिक्स करनी होती है, फिक्स में कैसे करेंगे बताऊंगा, तो आप उस सेल नंबर के सामने डॉलर का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डॉलर, डॉलर साइन का लिख लो ये। लिख लिया? यस यस सर। जब भी आपको किसी सेल में अगर सेल की वैल्यू फिक्स करनी है, तो फिक्स करने के लिए आप उस सेल नंबर के सामने, जैसे कि B4 अगर मैंने मान लिया, तो आपको B के सामने भी डॉलर लगाना पड़ेगा और 4 के सामने भी डॉलर लगाना पड़ेगा, तो उससे वो वैल्यू चेंज नहीं होगी आपकी बाद में, वो फिक्स हो जाएगी उस सेल के लिए। करेंगे कैसे अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तब बताऊंगा, ये लिख लिया आपने? यस सर। दूसरा आपके क्वेश्चन में गिवन होता है NPER, इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, लिख लो। थर्ड होता है आपका पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन अ ईयर, एक स्पेसिफिक ईयर में कितनी बार पेमेंट करना है आपको, ये होता है पीरियोडिसिटी। इतना डन है आपके लिए? Yes, आगे बढ़ू मैं पीडीएफ ये शेयर कर दूंगा वैसे, लेकिन फिर भी लिखते रहो आपको याद रहेगी चीजें। आगे की बात आगे करेंगे, अब देखते हैं।
एक्सेल शीट ओपन कर लिया हमने। मैं एक आपको क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। विजिबल है ना सबको ये, या बड़ा करूँ थोड़ा इसको, जूम कर लूँ? यस सर, अभी ठीक है? यस विजिबल है। यस सर, यस सर। ठीक है, और अमाउंट आपको, आपने लोन लिया है 1,00,000 रुपए का, कितने साल के लिए है? पीरियड ऑफ लोन 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15%, इसको मैं बोल देता हूँ पर एनम। ये हमें सबको मोस्ट ऑफ द केसेस में पर एनम ही मिलेगा। पीरियोडिसिटी आपको कितना गिवन है? बाई मंथली। बाई मंथली का मतलब, अभी एक बार यहाँ देखो आप इस टेबल में, बाई मंथली का मतलब होता है कि वंस इन एवरी टू मंथ, मतलब कि 2 महीने में एक बार आपको पेमेंट करना है। तो 1 साल में कितनी पेमेंट हो गई आपकी? Six. अगर हाफ ईयरली बोलूं तो साल में 2 बार करने हैं, और अगर मंथली बोलूं तो आपको साल में 12 बार पेमेंट करना पड़ेगा, क्वार्टरली में 4 बार और ईयरली में 1 बार। ये क्लियर है? हाँ भाई लोग। यस सर। अभी मैं बोलता हूँ आपको मंथली आपको पेमेंट करना है, और पीरियोडिसिटी आपको गिवन है मतलब मंथली। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो आपको पीरियोडिसिटी कितना गिवन है? मंथली। मंथली का मतलब कितनी बार पेमेंट करेंगे आप 1 साल में? 12। ये ठीक है? Yes, और कुछ नहीं चाहिए आपको, आपको खाली अब ये सीरीज चाहिए आपको कैलकुलेट कैसे करना है। माइक ऑफ कर लो भैया, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। हाँ, क्वेश्चन समझ आ गया आपको क्या करना है। लोन आपने कितना लिया है? 1,00,000 रुपीज। लोन और पीरियड कितने हैं? 5 साल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका? 15% पर एनम। पीरियोडिसिटी मैंने बताया था आपको, पीरियोडिसिटी का मतलब कि 1 साल में आप कितनी पेमेंट करते हैं, कितनी बार पेमेंट करते हैं। तो हमने बोला मंथली पेमेंट करते हैं, मतलब कि कितनी बार करते हैं हम पेमेंट? 12 बार। तो आपका पीरियोडिसिटी हो गया 12। अब आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, ये सब डिटेल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो अब तक मैंने इसमें लिखी है। अब आपको यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है पीएमटी। तो मैं इक्वल टू पीएमटी लिख लूं? मैंने आपको बार बार बोला है जब भी आपको कोई फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो इक्वल टू से स्टार्ट करना है। उसके बाद पी एम, देखो आगे इसमें पीएमटी। अगर पीएमटी, अब इसका मतलब है आपको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना है कि एक इंस्टॉलमेंट में आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है ये रेट, तो रेट कितना गिवन है आपको यहाँ पर? 15%। तो हमने 15% वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। अब ये 15% तो एनुअली है, तो मंथली कितना परसेंट होगा? तो जब आप ये कैलकुलेट करते थे तो आप डिवाइड बाय 12 कर देते थे, या डिवाइड बाय, अगर मैं यहाँ पर उसको क्वार्टरली लूँ तो आप डिवाइड बाय 4 कर देते थे। तो इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं इसको आप। हाँ, तो समझ आया ये मतलब क्या बोला मैंने? यस सर। एक बार रिपीट कर दो। जब अभी देखो मैं आपको इसको ध्यान से समझना थोड़ा, आपको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15% कि 1 साल में हम 15% इंटरेस्ट पे करना है हमें। ठीक है, तो आपने सपोज करो लोन लिया है 1,00,000 रुपए का, तो आप साल के अंत में कितना इंटरेस्ट देंगे? 15%।
ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको क्या नाम है इंटरेस्ट, अब आपको पेमेंट करना है मंथली, इस 1,00,000 रुपए में से आपको कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का पेमेंट करना है और कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, पर वो मंथली करना है कि 1 महीने में आपको कितना अमाउंट प्रिंसिपल का पे करना है और कितना इंटरेस्ट का। तो अब 1 साल में आप कितनी बार इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर मैं मंथली बात करूं? 12 बार। तो जब एक बार में पेमेंट कर रहे हैं ईयरली तो 15% है, तो अगर हम वही इंटरेस्ट 12 बार में पे करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ को कितना कैलकुलेट हो जाएगा, वो उस 15 को 12 से डिवाइड नहीं कर देंगे कि अब हम इसको 12 बार में पे करेंगे, भाई 15% कितनी बार में पे करेंगे? 12। ठीक है, तो अगर 15 को मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो अब कितना परसेंट आ गया? 1.25%। अब मतलब इसका हुआ ये कि अगर मैं 1 महीने में पेमेंट कर रहा हूं बार बार, तो मेरे को 1.25% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, ना कि 15% के हिसाब से। समझ आया मतलब? Okay. और अगर मैं इसको बोलूं सेमेस्टर वाइज आपको इंटरेस्ट देना है, मतलब पेमेंट करना है प्रिंसिपल का और इंस्टॉलमेंट का, तो 1 साल में कितनी पेमेंट करोगे आप? 2। तो 1 साल में अगर आपको 2 बार इंस्टॉलमेंट देना है तो आप उस परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर दोगे। 1 साल में 2 बार ही तो देना है, तो हम 15% आपको 2 बार में देंगे, तो 2 बार में एक बार हम 7.5% दे देंगे, फिर अगली बार फिर 7.5% दे देंगे। समझ आया मतलब? यस सर, यस सर। ये होता है आपका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट। सबको समझ आ गया ये? यस सर। तो अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को मंथली पेमेंट करना है, पहली बात तो मेरे को इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना होगा। मैं 15% को डिवाइड कर दूंगा 12 से। इतना क्लियर है सबको? मैं बिल्कुल धीरे चल रहा हूँ इसमें। यस सर। कोमा, अगला क्या पूछ रहा है ये? NPER। अब NPER का मतलब देखो अपने, मैंने क्या लिखा है आपको? टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मतलब कि आपको 5 साल के लिए लोन लिया आपने और आप 1 साल में 12 बार पेमेंट करेंगे, तो कितना पेमेंट करेंगे, कितनी बार पेमेंट करेंगे आप? 16। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो गया आपका? 60। तो अब इसको मैं टोटल नंबर, NPER का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार यूज करते हैं 12 से। ये भी सही है? यस सर। सबको क्लियर है ये? यस सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन कितने हैं आपको, जो वापस करना है आपको? 1 लाख। आप यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपको रीपेमेंट करना है, आप इसको ले नहीं रहे हैं, इसको दे रहे हैं वापस। ब्रैकेट बंद, एंटर। ये आपको डॉलर में शो करेगा साइन, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप, मैं इसको जनरल कर देता हूँ करेंसी को, ठीक है? तो ये आपका इंस्टॉलमेंट कितना हो गया मंथली, बोलो भाई? 2379। हाँ, अब ये मेरे को दोबारा बताने की जरूरत है कि किसी को, सबसे पहले क्या लिया हमने? रेट, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, फिर हमने लिया नंबर ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट, फिर हमने लिया कितना अमाउंट आपने लोन लिया है, वो पेमेंट कितना करना है? 1 लाख। तो हमें पेमेंट करना है, यानी आपसे आउटफ्लो होगा, आपके पास से पैसा बाहर जाएगा, तो इसलिए माइनस का साइन लिया है हमने। समझ आया इतना बात? यस सर। यस सर। हाँ, अगर मैं इसी अमाउंट को मैं बोलूं इसको राउंड ऑफ कर दो, मैं राउंड ऑफ की बात बता चुका हूँ आपको, इक्वल टू राउंड। तो इक्वल टू के बाद अगर मैं राउंड करूं, राउंड ब्रैकेट में इस अमाउंट को राउंड कर दो, जो भी कैलकुलेट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो आपने कैलकुलेशन की है इसको राउंड ऑफ कर दो, कहाँ तक? जीरो, और उसको ब्रैकेट बंद कर दो और एंटर कर दो। अब क्या है अमाउंट ये? 2379। समझ आया सबको? कोई डाउट है यहाँ पर अभी? सर, एग्जाम में हम ये वैल्यू कैसे लेके आएंगे? कौन सी वैल्यू मैम? सर, यही कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यहाँ तो हमें फॉर्मूला टाइप कर दिया तो वो तुरंत आ गया, बट एग्जाम में हम ये वैल्यू कैसे लाएंगे? वहां तो कंप्यूटर होगा नहीं। वैल्यू कैसे लाएंगे मैम? आपको ना खाली ये पूछ, कहाँ गया क्वेश्चन? अभी मैंने निकाला था उसको ही देखते हैं।
आपको बोला है कि आप ना एमएस एक्सेल में कंप्यूट करो तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो देखो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो आपने कैलकुलेट कर लिया इजीली, फिर उसके बाद आपने इसको राउंड ऑफ भी कर दिया। अब अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला था, तो ये तो हमने कंप्यूटर में कर दिया ना मैम, वहां पर शीट पे। देखो मैं बताता हूँ ट्राई करके। देखो यहाँ पर आपको सेल नंबर गिवन है, एक मिनट, सेल नंबर गिवन है B1। अगर आपका क्या है ये B1 आपका लोन अमाउंट है, B2 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और B3 आपका पीरियड है, ये इयर्स में है, ठीक है इतना। यस सर, ये आपको गिवन है। आपको आप बोला है कि आप इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालो, आपको पीरियोडिसिटी गिवन है क्या यहाँ पर? पीरियोडिसिटी नहीं गिवन, नो सर, यानी कि आपको एनुअली पेमेंट करनी है। समझ आती है बात इतना जो बोल रहा हूँ मैं अभी तक? यस सर, एनुअली पेमेंट करना है। इंटरेस्ट रेट आपका 8% ही रहेगा फिर, इसका मतलब या तो आप इसको 8% लिख लो या 0.08 लिख लो, एक ही बात है। समझ आई? यस सर। पीरियड कितना है आपका, टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, कितने बार में? 10 बार में, क्योंकि एनुअली है। yes, तो आप इसको आप करोगे कैसे? मैं एक सेल ले लेता हूँ, इसने बोला है कि आप सेल नंबर B4, मतलब कि सेल नंबर बी और फोर, यहां पर इस सेल में ये फॉर्मूला लगाओ और मेरे को कैलकुलेशन करके बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे इंस्टॉलमेंट। आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मे भी कर दोगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। अब मैं बता रहा हूँ लिखोगे कैसे। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? रेट ऑफ इक्वल टू, इक्वल टू पीएमटी, पीएमटी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या गिवन है? 0.82। तो अब इसको लिखो कैसे? बी टू सेल नंबर, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है ना आपको, क्योंकि एनुअली गिवन है। yes, आपके लिए बहुत बहुत इजी आता है पेपर, आपके पेपर अगर ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सीख लोगे तो ये इजीली कर लोगे भाई, ठीक है। तो एट किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, या रेट आप किस कितना दोगे? बी टू सेल डिफरेंस कितना दोगे? बी टू, अगर मैं इसको लिख दू यहाँ पर बी टू, उसके बाद कोमा, रेट तो हमने दे दिया। ये सर 10 ईयर में मैंने देखा अगर पीरियोडिसिटी की बननी है तो मंथली लिया हुआ है। नहीं वो मैम कुछ दिया हुआ है, ऐसा नहीं होता कि आप मंथली लोगे, यहाँ पर आपको क्लियरली दिया हुआ है। क्वेश्चन है जो आप ये क्वेश्चन पेपर में दिखा रहे हो यही सेम क्वेश्चन है, 10 ईयर में मंथली लिया हुआ है। मैम 10 ईयर के सोल्यूशन ना ही देखो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने खुद ही लिख दिया है यहाँ पर 0.08%, और पीरियोडिसिटी कोई गिवन नहीं है तो आप कुछ एज्यूम नहीं करोगे ऐसे। आप पता नहीं उसमें 10 ईयर वाले ने क्या सोच के सॉल्यूशन कर दिया है, ठीक है। ओके यस सर, आप लॉजिकल बेसिस पे करोगे ना क्वेश्चन, आप ये थोड़ा ना करोगे कि आपके फीलिंग का सॉल्यूशन कुछ भी दे रखा है तो आप कुछ भी करोगे, ऐसे नहीं करोगे। इसलिए मैं मना करता हूँ 10 ईयर के सॉल्यूशन कभी ना देखना, देखो करो। मैं कहाँ पर था आप फिर भूल गया, आपने लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर गिवन है मैम? पीरियोडिसिटी जो लाइन है 8% पर एनम पर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, वो पीरियड है, पीरियोडिसिटी डिफरेंट होती है यहाँ पर। पीरियड और पीरियोडिसिटी अलग अलग होती है। ये पीरियोडिसिटी मतलब एक साल में कितनी बार पेमेंट कर रहे हो, और पीरियड मतलब नंबर ऑफ इयर्स। कंफ्यूज नहीं हो यहाँ पर, इतना नहीं सोचो, ठीक है। बढ़ू मैं आगे? यस सर, यस सर, यस सर। उसके बाद आपको क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो आपके क्वेश्चन में कितना है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट? 10। यस सर, यस सर। उसके लिए सेल रेफरेंस क्या दोगे? सेल एड्रेस बी बी थ्री थ्री बी थ्री, फिर कॉमा लगा लोगे आप। मैं इसको लिख दूं B3। यस सर, कॉमा। उसके बाद क्या बताना है हमें? वैल्यू क्या थी? थ्री लाख। कौन सा क्वेश्चन? ये रहा वैल्यू, वैल्यू कितना? 3 लाख रुपए। 3 लाख को हम नेगेटिव लिखेंगे या पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि पेमेंट करने हैं तो नेगेटिव लिखेंगे।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? माइनस 3 लाख. 3 लाख मैम, फिर वही गलती कर रहे हो आप. इतना आगे नहीं चलो, मेरे साथ साथ चलो. सेल्फ डिफेंस क्या दोगे आप यहाँ पर? B1. वैल्यूज कहाँ पर है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस सेल एड्रेस देना है आपको पहले. कैलकुलेशन बाद में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको रेफरेंस देना पड़ेगा. ओके सर. तो यहाँ पर क्या आ रहा है नेगेटिव में? B1. ब्रैकेट क्लोज और एंटर. समझ आ गया? Yes, sir. ये फॉर्मूला लिखोगे पहले आप, सेल नंबर ऐसे लिखोगे. किसी ने पूछा है कि सेल नंबर B4 में बताओ, तो B4 इक्वल टू, मतलब B4 करके आप उसको लिख दो इक्वल टू PMT ब्रैकेट में ये फॉर्मूला. उसके बाद उसको कैलकुलेट करके बता दो क्या अमाउंट आएगा मोर देन एनफ आपके लिए, आपके लेवल पे. Okay, समझ आया कैसे डील करना है क्वेश्चन? Yes, sir. आगे चलूं मैं? Yes, sir. आपने यहाँ ये क्वेश्चन पे आए होते हैं वापस, पहले ये क्वेश्चन कर लो इजीली, उसके बाद क्वेश्चन पेपर पे जाना कि आपको पहले यहाँ से बेसिक तो सीख लो, क्वेश्चन पेपर में बाद में चलेंगे. अभी तक क्लियर है आपको इंस्टॉलमेंट कैसे निकालना है? मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, आप करो या नहीं करो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आप रेगुलर के बच्चे हैं, ऑनर्स वाले प्रोग्राम वाले, उनको करना होता है. तो सीख लो, सीखने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको सीख सकते हैं ना? यस सर. कैसे है? बस ये है, पहले आपने अमाउंट कैलकुलेट किया इक्वल टू PMT से, फिर उस अमाउंट को राउंड ऑफ कर दिया राउंड फंक्शन से. सीरियल नंबर यहाँ पर 1, 2, ये तो आप मैनुअली दे सकते हो, और इसको आप ड्रैग डाउन भी कर सकते हो दोनों को सिलेक्ट करके. तो ये तो नहीं पूछता है आपसे, आपके लिए नहीं है ये, मैं चीज बता देता हूँ आपको. ठीक है? तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्लियर है आपको कि सीरियल नंबर कैसे लिखेंगे? सीरियल नंबर आपको पूछता नहीं है, पता है आपसे पूछता क्या है? आपसे पूछते हैं बस जो अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको, कि बस इसको इस सेल का कैलकुलेट करके बता दो. वो नीचे तक जाते नहीं है. मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ. ये देखो आपको दे रखे ना ये मंथ, मतलब कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गया ये आपका सीरियल नंबर, ये ओपनिंग प्रिंसिपल अमाउंट, EMI, प्रिंसिपल पेमेंट, उसमें इंटरेस्ट कितना है प्रिंसिपल, ये ऐसा कुछ आपको देंगे फॉर्मेट. और आपसे खाली ये जो सेल है ना नंबर 1 सेल, उसमें कैलकुलेशन पूछ लेंगे. यहाँ पर हाईलाइट करूँ, यहाँ पर आपसे पूछ लेंगे बस, ये नीचे जाने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है? ओके सर. आप सबसे पहले दिखाओ ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस आपका क्या है जो आपको रीपेमेंट करना है? जल्दी बोलो भाई. 1 लाख. हाँ 1 लाख. 1 लाख तो मैंने हर जगह सेल रेफरेंस दोगे, एक्सेल में आप कुछ भी अमाउंट नहीं लिखोगे. सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं तुम्हें? नो सर. नो सर. ठीक है, आप देखते रहना चैट, जिसको कोई डाउट है वो चैट में पूछते रहना. ओपनिंग बैलेंस निकाल लिया आपने, अब आपको इंटरेस्ट निकालना है. इंटरेस्ट आपको निकालना है मंथली. तो अमाउंट में अब ये कैलकुलेशन देखना इक्वल टू किस अमाउंट पे निकालना है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सबको आता है? यस सर. पहले हम लोन का अमाउंट लेते हैं, उस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, है कि नहीं? yes. मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज करते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ये हमारा एनुअल है, इसको हम मंथली कन्वर्ट करेंगे. तो मंथली कन्वर्ट करने के लिए पहले डिवाइड करेंगे 12 से. तो 12 तो हमें लिखना नहीं है, हमें क्या देना है? सेल डिफरेंस देना है. ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे. कर दूं? कुछ गलती है भाई, देखो क्या गलती है. इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिंपल, जैसे कॉपी में करते हो आप रफ बुक में, वैसे ही करना है. बस सेल रेफरेंस देना है आपको. B1 मतलब कि हमारा 1 लाख रुपया, मल्टीप्लाई कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सिंपल खत्म.
क्लियर है इतना? यस सर। इंस्टॉलमेंट, अब इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला बताओ मुझे। इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करते थे बताओ, फॉर्मूला है कोई इंस्टॉलमेंट का? वो तो एनुअल इंस्टॉलमेंट हो गया ना, वो तो इंटरेस्ट है। सोचो जल्दी सर। प्रिंसिपल से तो प्रिंसिपल अमाउंट है। हाँ ये प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लो इसको। प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट है चाहिए। हाँ क्या पूछा है इसमें? रेट, रेट क्या है आपका? 15% डिवाइडेड बाय 12 सी फोर। पर का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एनपीईआर है ना वो, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। मैंने पर का मतलब बताया आपको? नो सर। नो सर। मैं देख लेता हूँ भाई, मैं भी भूल गया। अरे यार ये तो सिंपल था, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है ये इंस्टॉलमेंट ही है मैम, गलत कर दिया मैंने। आपने इंस्टॉलमेंट कितना पे किया है, करना है आपको मंथली, हमने कैलकुलेट किया था। अब मेरी बात दोबारा सुनो, उसको कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो दोबारा। आपने बोला ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 1,00,000 रुपए है, उस पर हमें इंटरेस्ट देना है। कितने पर देना है इंटरेस्ट हमें, क्योंकि हमने अभी लोन कितने का ले रखा है, 1,00,000 रुपए का, उस पर इंटरेस्ट देना हमें मंथली 1,250 रुपए। लेकिन हमें इंस्टॉलमेंट तो हमने कैलकुलेट किया है, वो तो हर बार एक ही इंस्टॉलमेंट देना है ना, एक ही अमाउंट देते हैं हम इंस्टॉलमेंट, तो उसी में आपका इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तो इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड है? 1,250 रुपए। समझ आया बात? यस सर। तो अब मैं अगर बोलूं कि आपका लोन अमाउंट कितना बचा, तो क्लोजिंग बैलेंस अगर मैं निकालना के लिए बोलूं आपको, तो आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1,00,000 रुपए। 1,00,000। उसमें से माइनस करना है हमें जो आपने इंस्टॉलमेंट पे किया है। डी एट। लेकिन हमने इंस्टॉलमेंट पे किया, उसमें इंटरेस्ट भी तो इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट तो आपका प्रिंसिपल कम नहीं करेगा, इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना ही करना है, तो आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे, कैलकुलेशन थोड़ा टफ है ये आपके लेवल के लिए। अब मेरी बात सुनो, आपने इंटरेस्ट, आपने आपने लोन लिया था सपोज करो वही 1,00,000 रुपए, आपने इसको वापस करने के लिए बोला हम 16 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे आपको। ये माइक किसको होने भाई? हमने बोला कि आपको 16 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, आपको एक इंस्टॉलमेंट को आपको कितने पैसे देने हैं? 2,379। ये 7,9 है, ठीक है इसको नाइन। समझ आया कि इसमें आपने क्या बोला, 1,00,000 रुपए हम वापस करेंगे आपको 16 इंस्टॉलमेंट में, और एक इंस्टॉलमेंट में अमाउंट देंगे आपको। आप देखो इस इंस्टॉलमेंट में कुछ अमाउंट आपका प्रिंसिपल का होगा, कुछ इंटरेस्ट का होगा, दो पार्ट होंगे तभी तो इंस्टॉलमेंट बनता है। इंस्टॉलमेंट में अगर बैंक को अगर पेमेंट करो तो वो इंटरेस्ट साथ साथ लेता है, प्लस कुछ पार्ट प्रिंसिपल का लेता है। समझ रहे हो बात मैथमेटिक्स वालों? ये मैथमेटिक्स चाहिए यहाँ पर? यस सर। यस सर। तो हमने बोला कि हमने इंटरेस्ट इसमें दिया 1,250 रुपए जो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो बाकी अमाउंट जो बचा होगा वो प्रिंसिपल का दिया होगा हमने,
1280 में से बोल दूंगा इसका, अगर मैं इसको, तो कितना अमाउंट बचता है जो मैंने प्रिंसिपल का दिया हुआ भाई, माइनस करके बताओ। जल्दी बोलो, मेरे को आगे क्वेश्चन कराना है ये। 1129। तो मैं अगर बात करूं, अब दोबारा सुनो मेरी बात, मैंने पहली इंस्टॉलमेंट दी जिसमें से 1250 मैंने इंटरेस्ट के दिए और 1129 रुपए प्रिंसिपल के दिए, टोटल अमाउंट मैंने दिया 2380। समझ आई मेरी बात? यस सर। तो ये तो मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, देखो ये तो मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो ये तो प्रिंसिपल से तो नहीं लगा होगा, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट है, पे करना ही करना था, प्रिंसिपल से मैंने इतना अमाउंट पे किया है। 1,00,000 में से अगर मैं ये अमाउंट माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो मेरा प्रिंसिपल बचेगा ना भाई, कितना बचेगा? 9871। अब समझ आए क्लोजिंग, ये इसको बोलते हैं क्लोजिंग प्रिंसिपल, क्लोजिंग अमाउंट। यस सर। अब समझ आया कि क्यों माइनस प्लस किया है वहां पर? यस सर। अभी किसी को डाउट है इसमें तो बताओ। नो सर। कोई डाउट? ठीक है, आगे आगे चलूं मैं, क्योंकि समझ आना चाहिए तभी, ये बेस है आपका। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1250 मैंने इंटरेस्ट दिया है और 1129 मैंने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट में से जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है वही तो माइनस करूंगा, इंटरेस्ट थोड़ा ना माइनस करूंगा। आगे चलते हैं, तो आगे आता है आपका, आप यहाँ पर देखो, मैंने 1,00,000 रुपए में से, ब्लू कलर में से, मैंने माइनस करना है जो इंस्टॉलमेंट मैंने पे किया है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में से जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट था वो माइनस नहीं करूंगा, तो मैंने वो इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट वाला अमाउंट ब्रैकेट में जाके माइनस कर दिया पहले ही। समझ आया? यस सर। ठीक है, अब आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद क्लोजिंग बैलेंस था, वो अगली इंस्टॉलमेंट में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यस सर। अकाउंटिंग सबको आती है, सब इंटेलिजेंट है सर। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है अभी जो आपको वापस करना है? 9871। मैं इंटरेस्ट दोबारा कैलकुलेट करूं अगर, तो मेरे को कितना पेमेंट करना है? 98871 प्रिंसिपल पे कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करना है? 15% मंथली करना है, तो 12 से डिवाइड कर दूं, ये करना है मेरे को पेमेंट। देखो अब मैंने थोड़ा अमाउंट प्रिंसिपल का पहली पे कर चुका हूँ इस इंस्टॉलमेंट में, तो मेरा अब इंटरेस्ट रेट कम होता चला जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल कम होता जा रहा है। यस सर। ठीक है, तो अब मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है? सेम ही रहेगा इंस्टॉलमेंट, तो क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो आपको इक्वली देना है। अगर अब मैं क्लोजिंग बैलेंस निकालूं, तो बताओ कैसे निकालूंगा? इक्वल टू क्या माइनस करूं क्या प्लस करूं, बोलो। सेम करना है ऊपर वाले जैसा। Anyone have any doubt? No, sir. जल्दी नीरू, पर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर जैसे कि आपने फॉर्मूला लिखा कि हमने किसी भी सेल में हमने फॉर्मूला लिख दिया, बट उसके बाद जब उसका हम कैलकुलेट करके आंसर लिखेंगे, तो वो उसी सेल में आंसर कैसे हम लिख सकेंगे? मैम उसी सेल में नहीं लिखना है आपको आंसर, आपको खाली सेल नंबर देके अपना फॉर्मूला और कैलकुलेशन कर देना है। सेल नंबर आपको बता देना है कि मैंने इस सेल के लिए किया है ये। सर फिर से बताना। मैम देखो अभी मैंने क्या किया था यहाँ पर, मैंने शायद अगर नहीं रख किया है तो मैंने हटा दिया है। देखो आपको बोला क्वेश्चन, ये था ना, आपको बोला था V4 में आप कैलकुलेट करो
अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मतलब कि यहाँ पर, तो आप ऐसा करोगे B4 अपने पेज के आंसर पे लिख दोगे B4 सेल नंबर B4 और कैलकुलेशन उसके नीचे कर दोगे, पहले इक्वल टू फॉर्मूला लिखोगे फिर उसकी कैलकुलेशन कर दोगे, तो आप ये शो कर दोगे कि ये मैंने B4 के लिए की है। इतना समझ आता है टीचर को कि हाँ ये किसके लिए किया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर स्पेस ही नहीं है तो आप सब कुछ यहाँ पर कैसे करोगे, वो तो नहीं है ना कोई इशू। नो 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 सर, हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अब हम एक्सेल का इंट्रो कर लेते हैं नोटबुक में। यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ किसी को आप पीरियड के लिए पेमेंट करना है तो तब कैसे कैलकुलेट करते रहोगे ये सब, तब तो बड़ा लेंथी हो जाएगा। आपके मतलब की चीज यहाँ पर थी बस कि एक तो ये मैंने जो बताया जो अभी आपके क्वेश्चन में है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना, और क्या पूछा है आपके क्वेश्चन में? प्रिंसिपल पेमेंट और फोर्थ ईयर, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। भाई माइक ऑफ करो अपना, शिवानी मैम अपना माइक ऑफ करो, अरे शर्मा जी माइक ऑफ कर लो। हाँ कितना क्लियर है ना भाई? यस। अब ये देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था काउंट का, याद है? यस सर। काउंट का फॉर्मूला क्या करता था कि सेल्स को काउंट करता था वो, और कुछ नहीं, जिसमें वैल्यूज है उनको काउंट करता था, जो भी वैल्यूज है न्यूमेरिकल वैल्यूज वो, समझ आ रहे हैं? यस सर। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर देखो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखे और मैं ड्रैग डाउन करता चला गया नीचे तक नीचे तक नीचे तक, और वैल्यूज आती चली जा रही हैं आती चली जा रही हैं, ये भाई कौन है यार? मैम अपना माइक ऑफ कर लो इसको, मैं मेरे को पता कैसे लगेगा कि रोकना कहाँ पर है, तो उसके लिए आप कमांड देते हैं कुछ, इसको बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन, जो अभी मेरे को कराना था आपको। क्या बोलते हैं इसको? लॉजिकल फंक्शन। आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि भाई दो लॉजिकल फंक्शन हमें एक्सप्लेन करो क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं। लॉजिकल फंक्शन हमेशा इफ से स्टार्ट होता है, अगर अगर वैल्यू जो कि वैल्यू इन ए 8 है, क्या है? अगर वैल्यू जो भी इन सेल नंबर 8 ए 8 में है, क्या है वैल्यू से A8 में? वन। A8 में वन है ना वैल्यू, सीरियल नंबर क्या है 8 में, A8 में वन। यस सर। ठीक है, अगर वो कम है, इसको मैं बोलूं लेस देन, इसको लिखते रहना भाई साथ साथ, लॉजिकल फंक्शन है। अगर A8 यानी कि A8 यानी कि ये ब्लू वाला पार्ट वन, जिसमें नंबर क्या है वन, वैल्यू क्या है वन, अगर वो कम है, भाई यार ये माइक ऑफ कर लो भाई बड़ी नॉइस होती है, अगर वो कम है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है आपकी 5 × क्या किया मैंने, ये समझ आया किसी को? यस सर। तो देखो यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन में लिखा है कि आपका टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट है कि मेरा अगर वैल्यू 8 में अगर टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट B2 यानी कि 5 × 12 से कम है, ये हमारा फंक्शन है, हमने ये कंडीशन दे दी कि अगर ऐसा है तो ट्रू वैल्यू मतलब कि जो आप चाहते हैं वो वैल्यू नीचे आ जाए, अदरवाइज कुछ ना आए फॉल्स। तो मैंने कंडीशन दे दी पहले और फिर बोला मैंने
कॉमा लगा के ट्रू वैल्यू, यानी कि इसमें आप ऊपर वाली इक्वेशन में एक प्लस कर दो, अभी मैं बताऊंगा क्यों किया है था, एक प्लस कर दो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दो। अब मैं इसको ड्रैग डाउन अगर करूंगा, कोई वैल्यू आ रही है क्या? नो। अब मेरे को एक बार बताओ, मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि वैल्यू फिक्स करने के लिए, अगर किसी हल्की वैल्यू आपको फिक्स करनी है तो क्या यूज करना है? डॉलर का साइन। अभी मैं इसको दोबारा बताऊंगा, रुक जाओ। देखो अब मैं इसको कितना भी ड्रैग करता गया हूँ नीचे, लेकिन इसने वैल्यू 60 तक ही ली है, और हमारी टोटल नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 60। तो अब मैं कितना भी ड्रैग डाउन करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने कमांड दे दी आप 60 से ज्यादा नहीं लोगे। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला जो नंबर सीरियल, अब मेरी इसमें देखो, A8 में वैल्यू मेरी थी 1। अब मैं आपको पता नहीं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपके लेवल का है नहीं है, फिर भी सीख लो कोई नहीं। A8 थी आपके, A8 में वैल्यू कितनी थी? 1। अब मैंने बोला 1 जो A8 में वैल्यू है वो अगर कम है, मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से जो मल्टीप्लाई किया मैंने 60 से, इतना समझ आया? जी सर। यस सर। तो आप ऊपर वाली जो भी सेल है A8, उसमें 1 में आप 1 ऐड कर दो, अदरवाइज खाली छोड़ दो। ये मैंने फंक्शन दिया यहाँ पर इफ के साथ, और मैंने ये जो 60 है ना इसको फिक्स कर दिया। फिक्स कैसे किया? मैंने अभी दिखाया आपको, इसको लिख रहे हो ना फॉर्मूले को, मैंने फिक्स कर दिया ये वैल्यूज B2 क्या है आपका? नंबर ऑफ ईयर 5। एंड C4 क्या है आपका? रोल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन ईयर। इन दोनों को मैंने फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स किया? जब मैं आपकी वैल्यू ड्रैग डाउन करता हूं ना ऐसे, तो अगर आप फिक्स नहीं करोगे ना, देखो अब मैंने इसको ड्रैग डाउन किया था, तो यहां पर देखो A7 दिखा रहे हैं, इसको मैंने फिक्स नहीं किया डॉलर से, A7 दिखा रहे हैं, सबको दिख गया? बोलो भाई। यस सर। और फिर मैंने इसको ड्रैग कर दिया था यहां से, तो आप देखो नीचे A8 दिखा रहे हैं, A9 दिखा रहे हैं, ये चेंज करता चला जाएगा नीचे, जितना ड्रैग करूंगा वो सेल नंबर चेंज होता चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ईयर तो सेम ही है ना, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो 60 है, तो अगर मैं उसको ड्रैग डाउन करूंगा तो यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो उसको रोकने के लिए आप डॉलर यूज करते हैं। तो मैंने फिक्स कर दी B2 वैल्यू इस फंक्शन में, और C4 ये दोनों को मैंने फिक्स कर दिया, मैंने कहा ये चेंज नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यूज चेंज होंगी। अब देखो मैं अगर यहाँ पर देखूं, ये देखो, अब मैंने यहाँ पर फंक्शन जो ऊपर लगाया था, यहाँ पर मैंने फंक्शन लगाया था कि अगर A7 में वैल्यू टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मानी थी 60 से कम है, तो आप उसमें एक जोड़ दो, अदरवाइज खाली छोड़ दो। देखो यहाँ पर अब अगर A33 में ये चेंज हो गई, देखो जितना नीचे जाऊंगा चेंज चली जाएगी, A33 मतलब कि ब्लू वाली में अगर वैल्यू 60 से कम है, वो सेम ही रहेगा, ये मैंने फिक्स किया हुआ है, तो आप ऊपर वाली सेल में A33 में एक जोड़ दो, अदरवाइज खाली छोड़ दो। अगर मैं यहां पर जाऊं नंबर 66 में, अगर मैं नंबर 60 पे जाऊं, अब देखो कि A65 यानी कि 59 वैल्यू में अगर वो कम है 60 से, तो उसमें एक जोड़ दो, अदरवाइज खाली छोड़ दो। तो यहां तक तो उसमें एक जोड़ा, उसके बाद अगर मैंने नीचे किया तो देखो A66 यानी कि यहां पर जो वैल्यू है अगर वो कम है 60 से यहां पर, तो एक जोड़ दो, अदरवाइज खाली छोड़ दो। तो इसने क्या किया कि A66 में वैल्यू कितनी है 60, मतलब कि 60 से कम थोड़ा है, बराबर है वो दोनों, तो उसने कोई वैल्यू ही नहीं ली, खाली छोड़ दिया। ऐसे यहां पर किया उसने, खाली छोड़ दिया। समझ आ रहा है?
हाँ भाई समझ आएगा ये, लक्ष्मी राम का नहीं इसको लिख लेना, इसको अपने एक्सेल में प्रैक्टिस करना तभी समझ आएगा ये। हाँ इतना समझ आया क्या, किसी को डाउट है मैम? नो सर। अब देखो आगे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, एक क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा अगली क्लास में, एक को ऐसे ही। तो आपको अगर ये समझ आ गया तो आपके पेपर में कुछ भी आ जाए फिर आप इजीली कर लोगे विद इन 5 मिनट। सेकंड, अब देखो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूं। पहले मैंने कैलकुलेट किया था कि जो भी वैल्यू यहां पर आएगी ई से क्या नाम है ई टू या ई एट है, ये ई एट में आएगी वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा अगले साल का, ये कमांड दी थी मैंने। यस सर, यस सर। अगर मैं अब इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो देखो मैंने फिक्स नहीं किया है अभी ई एट, तो वो हर साल चेंज होते जाएगा वैल्यू। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो देखो मैंने जैसे एक ड्रैग डाउन किया, तो मैंने यहां से ड्रैग डाउन किया था ई एट से, ठीक है, फिर मैंने यहां पर आया तो ये ई एट से ई नाइन हो गया अपने आप, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर करूंगा तो ये ई टेन हो गया। देखो ये अपने आप चेंज करता जा रहा है वैल्यू, अपने आप नीचे चला चला जा रहा है, समझ आ रहा है? अगर यहाँ पर करूंगा तो ये, और जीरो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वैल्यू सेल में ब्लैंक है वहां पर, अभी अभी वहां पर कुछ नहीं है, समझ आया क्या? Yes. तो मैंने इसको देखो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ रहा है कि ये नीचे तक जाते जा रहा है, जितना मैं इसको ड्रैग किया मैं वहां तक चला गया, मेरे को रोकना कहां पर था 60 पर। तो इसके हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं, जो हमने सीखा था कब, जब मैंने आपको सिखाया था तब, कब सिखाया था, इनिशियली जब मैंने सिखा दिया था आपको, जब मैं फंक्शन करा रहा था आपको। हाँ भाई बताऊं दोबारा, अब देखो दोबारा इफ काउंट, हमें काउंट करने हैं, ये सबको याद है फंक्शन भाई? यस सबको याद है ना, कोई बोला तो नहीं है? सर मैं इसको लगा रहा हूं यहां पर काउंट, सी ओ यू एन, स्पेलिंग सही है मेरी? काउंट करो ये इक्वल टू वन, वन का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोल रहा हूँ मैं दोबारा सुनो, वन का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। हमने बोला इसको सेल को तभी काउंट करना जब हमारी क्या नाम है ए नाइन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो वन, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप कौन सी वैल्यू ले लो, ई एट वाली, समझ आया? यस सर, यस सर। अदरवाइज उसको ब्लैंक छोड़ दो, कहीं ब्रैकेट रह गया है सर, इसमें लगाया क्या? यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं, कंडीशनल नहीं है, ये काउंट फंक्शन है मैम, आपको खाली सेल काउंट करानी है यहाँ पर। ओके ठीक है, ये ठीक है? yes. किसी को समझ नहीं आया तो बताओ, अच्छा इफ नहीं लगाया अभी काउंट, तुम्हें भी इफ लगेगा, एक मिनट रुको मेरे को, ये भी कंडीशनल है ना, सही बोल रहा हूँ मैम आप, इसको सही कर लेना। If, अब इसको दोबारा मैं करूं आपको एक्सप्लेन? नो सर समझ आ गया। इसका मतलब अगर वैल्यू वही काउंट करो, अगर ए नाइन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप वैल्यू कौन सी ले लो, ई एट, ये अदरवाइज खाली छोड़ दो। तो मैंने इसमें ये फंक्शन दे दिया यहाँ पर, क्या मेरे को यहाँ पर कुछ फिक्स करने की जरूरत है वैल्यू? सर ए नाइन, ए नाइन नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी बताता हूँ क्यों। अब मैंने क्या किया, इसको पकड़ के ड्रैग डाउन कर दिया नीचे तक, अब देखो वो 60 पर रुक गया, क्यों रुक गया, अब मेरी बात सुनो,
देखो हमने बोला था कि अगर काउंट करो A7, A67, अब मैंने बोला ये चेंज होती रहेगी नीचे तक, ये माइक ऑफ करोगे कि A67 में अगर वैल्यू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप वैल्यू ले लो E66 की, मतलब अगर जो यहाँ पर क्लोजिंग होगा तो यहाँ का ओपनिंग होगा ना, यहाँ का क्लोजिंग यहाँ का ओपनिंग होगा, अदरवाइज समझ आ रहा है बात? Yes. Yes, sir. आपने ऊपर यहाँ का क्लोजिंग यहाँ का ओपनिंग लिया था वैसे ही तो लोगे, तो हमने बोला कि अगर A67 में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप E66 वाली वैल्यू यहाँ पर ले लो, अदरवाइज खाली छोड़ दो। तो तब तो इसने ले लिया क्योंकि अभी तो यहाँ पर वैल्यू है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने बोला कि काउंट फंक्शन में कि अगर 68 में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, मैंने इक्वल टू 1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है तो E67 ले लो, अदरवाइज खाली छोड़ दो। यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं तो क्या किया इसने, ब्लैंक छोड़ दिया। समझ आया? Yes, sir. ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ भाई, कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन किसके बेस पे करना है आपको, जो यहाँ पर प्रिंसिपल आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इंटरेस्ट रेट से, सही बोल रहा हूँ मैं? Yes. तो इंटरेस्ट रेट आपका, इंटरेस्ट रेट आपका रहेगा फिक्स। अब जो इंटरेस्ट रेट है वो मंथली वही रहेगा, सेम चेंज तो नहीं होना? No, sir. इसको मैंने कर दिया फिक्स बाय डॉलर से। अब मैं इसको ड्रैग डाउन करूं अगर, तो देखो यहां तक तो वैल्यू जीरो दिखा रहा है, उसके बाद एरर दिखा रहे हैं। मैंने यहाँ पर काउंट फंक्शन लगाया था, यहाँ पर लगाया क्या, यहाँ पर नहीं लगाया, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब आप मुझे बताओगे कैसे लगाने हैं। सबसे पहले क्या था, इफ, यही था? Yes, sir. फिर काउंट, हमने बोला हम फंक्शन लगा रहे हैं कि वही सेल्स काउंट करो जिसमें सीरियल नंबर अगर न्यूमेरिकल कोई है, सीरियल नंबर अगर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए हम इक्वल टू 1 लिखते देते, अदरवाइज सेल को खाली छोड़ने के लिए क्या करते थे? दोबारा काउंट फंक्शन यूज किया, आप थोड़ा समझ में आ रहा होगा कैसे किया है? Yes, sir. आपका काउंट फंक्शन डिपेंड है आपके सीरियल नंबर पे, अगर सीरियल नंबर वहां पर कुछ है तो वो काउंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब मैं अगर इसको ड्रैग डाउन करूं, आ रहा है कुछ नीचे? नहीं आ रहा है ना, क्योंकि आपने इसमें कमांड दे दी कि वही सेल काउंट करो जिसमें आपकी सीरियल नंबर कोई वैल्यू रखता है, इक्वल टू 1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, अदरवाइज को खाली छोड़ दो। ठीक है सर, एक बार कमांड एक बार और दिखाना, लिखनी थी। सॉरी मैम, सर कमांड लिखनी है, एक बार और दिखा दो। अच्छा लिखनी है, अभी मैं ये कंप्लीट कर लूं, मैं आपको ये दे दूंगा, ये फाइल दे दूंगा। ठीक है, ओके सर, के बाद एंड में भी दिखा भी दूंगा सॉल्व करने के बाद। अब देखो इंस्टॉलमेंट तो आपका फिक्स रहेगा। यस सर। तो मैं इसको फिक्स कर दूं? Yes, फिक्स कैसे करते हैं? डॉलर यूज करके। सबको क्लियर है डॉलर क्यों यूज करते हैं? डॉलर फिक्स करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने इसको भी नीचे तक ले गया, ये भी नहीं माना, ये भी नीचे तक चला गया। अब मैं इसको भी बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं इसको? काउंट फंक्शन, कंप्यूटर आपको जो आप कंप्यूटर को बोलोगे वो वही करेगा, वो अपने आप से कुछ नहीं करेगा। थ्योरी में आप पढ़ोगे काउंट करो वही सेल जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू सीरियल नंबर में कुछ है, इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या है यहाँ पर? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप क्या ले लो, B5, क्योंकि फिक्स है, अदरवाइज खाली छोड़ दो, खाली छोड़ दो। भाई देसी भाषा में समझ आया है, याद रहेगा। यस सर। अब आ रहा है क्या? यस सर। उसको बता दिया कि भाई कहां तक वैल्यू ले रही है, उसके बाद नहीं जाना है, बस आपको ये लॉजिकल है कि ये आपको पहले अच्छे से लगा देना है, फिर इसके बेसिस पे सारी काउंट होंगी सेल। थर्ड,
यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस में से आप माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट हटा करके, सही बोल रहा हूँ? तो ये तो हर बार चेंज होगा, ये हर बार चेंज होगा, सही बोल रहा हूँ? तो मैं इसको ऐसे ड्रैग डाउन कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? नो सर। लेकिन ये भी नहीं माना, ये भी नहीं चला गया, तो इसको भी बताओ कैसे करना है, बताओ भाई भाई लोग। इज इक्वल टू इफ काउंट काउंट सीरियल नंबर, मैम ए एट नहीं, जिस आप रो में हो ना उसी रो का आप वो दोगे डिफरेंस। अगर हमने ए नाइन में दे दिया और ई नाइन में अगर दे रहे तो ए नाइन का दे दिया, ए नाइन अगर हमारा इक्वल है न्यूमेरिकल वैल्यू के तो उसको जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हुआ है वो ही ले लो, अदरवाइज स्पेस सेमीकोलन ब्रैकेट बंद। अब देखो इतना ही करना था आपको, अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, आपने क्या किया है यहाँ पर, आपने यहाँ से ओपनिंग बैलेंस अपना पेमेंट करना स्टार्ट किया है और एंड तक जाते जाते आपने, आपको लास्ट पेमेंट कितना करना पड़ा है इतना, लेकिन उसमें क्लोजिंग बैलेंस आपका नेगेटिव में जा रहा है एक रुपए से, मतलब एक रुपया एयर पेयर हो रहा है, बाकी सारा कैलकुलेशन ठीक है आपका, समझ आ रहा है ये? तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो दिया उसमें आपका इंटरेस्ट अमाउंट 29.363 है और प्रिंसिपल अमाउंट आप इसमें से अगर ये माइनस कर दें वो आ जाएगा, तो जैसे जैसे आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते जाते हैं वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम होता जाता है, ये दिख रहा है इंटरेस्ट अमाउंट आपका एंड में लास्ट इंस्टॉलमेंट में 29 ही रह गया है, कितना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी तक हमने यूज कर लिया काउंट फंक्शन की, हमें सेल भी काउंट करनी है, लेकिन वैल्यूज तो अभी भी राउंड तो नहीं हुई है, ये देखो वैल्यूज तो अभी भी पॉइंट के बाद आ रही है, तो राउंड फंक्शन भी तो यूज कर सकते हैं हम। यस सर। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था, कैलकुलेट अमाउंट, यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने क्या कमांड दी थी, ये कि हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट, सबसे पहले ये किया था इक्वल टू सेकंड, उसके बाद हमने या तो राउंड फंक्शन लगा दो या काउंट फंक्शन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको राउंड करना किसको है, वैल्यू को जो आपने कैलकुलेट किया है, बोलो भाई हाँ या ना? यस सर। यस सर। हम जो वैल्यू कैलकुलेट किया जस्ट उसके बाहर हम राउंड फंक्शन लगाएंगे कि हमें राउंड करना है कैलकुलेटेड वैल्यू, उसके बाद हम काउंट फंक्शन लगाएंगे, काउंट द सेल जो हमने अभी लगा चुके हैं। तो अगर मेरे को यह वैल्यू यहां पर, जैसे हमने राउंड फंक्शन लगा दिया था, हमें काउंट की जरूरत ही नहीं थी यहां पर क्योंकि हमें ड्रैग डाउन करना ही नहीं है, तो हमने यहां पर राउंड फंक्शन लगा दिया था। अब अगर मैं यहां पर राउंड फंक्शन लगाना चाहूं तो कहां से लगाऊंगा भाई? स्टार्टिंग से, इफ से पहले से ही राउंड फंक्शन लगेगा। अगर मैं बोलूं यहां पर राउंड ब्रैकेट में दिस कोमा जीरो, अब मेरी बात सुनो, हमारी हमने वैल्यू का कौन सी लिया यहाँ पर ई एट जो ये है, हमने बोला इस वैल्यू को आप राउंड कर दो कितने फिगर में, जीरो में, सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। मैंने यहाँ पर लगा दिया फंक्शन राउंड, राउंड मैंने बोला मेरा जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है उसके जस्ट बाहर लगाना है। अगर मैं अब इसको ड्रैग डाउन करूं, हो गया राउंड, सॉरी राउंड फंक्शन आप उसी पे लगा सकते हैं जो अमाउंट आपने कैलकुलेट किया है, क्योंकि उसी को तो आपको राउंड करना है, राउंड ऑफ वही फिगर तो कर सकते हो जो आपने कैलकुलेट किया है।
अब इसमें आपने क्या कैलकुलेट किया, ये बी नाइन क्या है आपका? बी नाइन है आपका ओपनिंग बैलेंस, सॉरी बी नाइन आपका इंटरेस्ट, यार बी नाइन है क्या, इसमें तो विजिबल भी नहीं है, आपको दिख रहा है क्या? बी नाइन हाँ ये ग्रीन वाला बी नाइन आपका है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग बैलेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही किया था हमने। तो अब इसको अगर आपको राउंड करना है तो राउंड लिख दो, इसके बाहर ब्रैकेट, इस वैल्यू को हमें राउंड करना है अप टू जीरो, ये साथ साथ लिखते रहना भाई, ब्रैकेट बंद कोमा। अरे ठीक है, एक एक करके हमने फॉर्मूला लगाया, एक साथ नहीं लगाए हमने सारे फॉर्मूले, आपको समझ आना चाहिए। हो गया राउंड ऑफ? अब एक एक फंक्शन का यूज समझ आ रहा है आपको, राउंड का फंक्शन कहाँ पर यूज करने के लिए हमने क्यों सीखा था, काउंट फंक्शन क्यों सीखा था, इंस्टॉलमेंट तो आपकी पहले ही मैंने राउंड कर दी थी यहाँ पर, वो तो पहले से ही राउंड है, और क्लोजिंग बैलेंस आपका राउंड आएगा ही क्योंकि आपने यहाँ पर सब कुछ फिगर राउंड ऑफ कर दिया है। तो समझ आ गया राउंड फंक्शन कैसे लगाना है, जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है उसके अगेंस्ट आपको राउंड फंक्शन लगाना है, इतना क्लियर है? यस सर। अब दो चीजें मैं आपको और बता दूं जो आपके क्वेश्चन में पूछी है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट अरे पपड़े बाप हाँ भाई लोग ये विजिबल है आपको ग्रीन में, इंटरेस्ट इन 20 इंस्टॉलमेंट। अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है तो मैंने बोला था आपको इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट आप कैसे निकालते हैं, इक्वल टू आईपीएमटी मे बी। हाँ भाई लोग सही बोल रहा हूँ? यस सर। जो लिखवाया था मैंने रेट क्या है, यहाँ पर रेट पूछा है सबसे पहले, रेट क्या है आपका 15% डिवाइड करोगे आप किससे, 12 से, पर का मतलब मैं फिर भूल गया, ये पीआर क्या है आपने बताना था, एनपीआर का बताया सर आपने, बस देख लेते हैं एक बार। अच्छा ठीक है, वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है मैम जिस नंबर के आप कैलकुलेट कर रहे हैं, याद ये इसको लिख लो एक बार, जैसे इसमें हमने हमें बोला है इंटरेस्ट इन 20th इंस्टॉलमेंट, तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे, मतलब 20 है इसमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जिस इंस्टॉलमेंट का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो नंबर, यहाँ पर 20 है तो 20 लिखेंगे, अगर हमें कैलकुलेट कर रहे थे 25th इंस्टॉलमेंट का हमें इंटरेस्ट निकालना है तो 25 आता, तो ये नंबर, ये काउंटिंग में अगर काउंट करूँ तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, वैसा वाला नहीं टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ही, ये जो सीरियल नंबर है ना इसको मैं बोलूँ तो सीरियल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो, पर स्पेसिफिक पीरियड फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग इंस्टॉलमेंट, हाँ स्पेसिफिक पीरियड नंबर, ये सीरियल नंबर है ना, ये स्पेसिफिक पीरियड नंबर क्या है आपका, ये 1 फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो वो नंबर लिखना है वहां पर। okay, समझ आ रहा है? तो अब क्या था इसका फॉर्मूला, आईपीएमटी यस सर, ब्रैकेट में इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना आ ही गया है, 15 डिवाइडेड बाय 12, अगर यहाँ पर मंथली की जगह अगर मैं सेमी एनुअली लिखता तो कितने से डिवाइड करता, 2 से, और अगर क्वार्टरली होता तो 4 से, ये याद रखोगे? यस सर। अब देखो आपको निकालना है इंटरेस्ट इन 20th इंस्टॉलमेंट,
मतलब कि जो आपने 20वें नंबर की इंस्टॉलमेंट दी है उसमें आपका कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अब देखो मैं सीरियल नंबर पहले ढूंढू कहां पर है 20वां नंबर, ये 20वां नंबर है यहां पर दिख रहा है। यस सर, मेरे को जो आप पर पूछ रहे हैं ना वो नंबर सीरियल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, तो क्या इतना लिखूंगा मैं 20। समझ आया सर? हम सेल नंबर भी तो दे सकते हो उस पे क्लिक करके, रेफरेंस भी दे सकते हो। हाँ बिल्कुल दे सकते हो। ओके सर, और उसका भी यहाँ पर हम स्पेसिफिकली निकाल रहे हैं ना मैम, अगर मैं हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे ना अप डाउन तो चेंज हो जाएगा, फिर एक नंबर का पूछा तो इसलिए हमने 20 लिख दिया है। एनपीईआर का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 65 मल्टीप्लाई बाय 12, यही होगा। यस सर। उसके बाद क्या पूछा है? परसेंट वैल्यू। अब मैं इसको नेगेटिव लिखूं या पॉजिटिव लिखूं मेरे को बताओ। इंटरेस्ट तो पॉजिटिव पे ही निकलेगा, पॉजिटिव वैल्यू लिखूंगा इसका। इतना ही था ये ब्रैकेट में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे करना है। ब्रैकेट में इसलिए आ रहा है हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन हम इसको नेगेटिव दिखा नहीं सकते, तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप माइनस का साइन बाहर लगा देते हैं। अगर आप इसको माइनस का साइन अंदर लगाएंगे, अगर मैं लगाकर दिखाऊं आपको, तो ये एरर शो कर देगा। नहीं करना तो चाहिए भाई, एरर शो पता नहीं क्यों कर रहा है, एक मिनट में देख लूं। नहीं ये यही सही है, वो दूसरे फॉर्मूले में था। ठीक है भाई, वही सेम तरीका यूज करना है आईपीएमडी में भी, नेगेटिव अंदर ही आएगा। ये क्लियर है? चलो आगे। यस सर। अब इसमें निकालना है आपको, जैसे इसमें तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है हमें 20th इंस्टॉलमेंट में, तो उसका फॉर्मूला क्या था? पीपीएमटी। यस सर। वही रेट क्या है आपका? 15 डिवाइडेड बाय 12, फिर क्या लिखना है? सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट 20, फिर क्या लिखना है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, फिर क्या लिखना है? अमाउंट टू बी पेबल नेगेटिव, कितना अमाउंट पे करना है आपको। सेम वही है फॉर्मूला एकदम, खाली यहां पर तो आपका अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर आपका यहाँ पर कैलकुलेट किया आपने इंटरेस्ट इन 20th इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट कितना है? 949, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1429। इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो 2397 आएगा, 2379 आएगा। समझ आया? यस सर। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल पेमेंट फॉर फोर्थ ईयर, यानी कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट का आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है कि कितना है, तो यहाँ पर हमने जो निकाला है वो निकाला है 20th का। वहां पर पूछा कितना है आपको फोर्थ का, निकाल लोगे इसीलिए, क्या चेंज करना है? बस ये 20 लिखा है मैंने, बस वहां पर आपको क्या लिखना है? 4। समझ आया? यस सर। दो चीजें और सीख लो आज के लिए, फिर काफी है। क्यूमुलेटिव मतलब कि एक रेंज ऑफ इंस्टॉलमेंट में आपका कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि नंबर 5 से लेकर के और नंबर 10 तक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है आपका टोटल। अभी देखो यहाँ पर तो हमने हर पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसको हम टोटल कर सकते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में तो करने को बोला नहीं गया होगा, जब आप करोगे तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो भाई जब नंबर ऑफ कम्युलेटिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कम आईपीएमटी है, बोलो जल्दी। आईपीएमटी।
आईपीएमटी कम आईपीएमटी ना, यस सर। ठीक है, अब देखो एनपीईआर का मतलब क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर आपसे पूछा है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जो भी इंटरेस्ट आपका लोन है 1 लाख, फिर आपसे पूछा है स्टार्ट पीरियड और एंड पीरियड, स्टार्ट पीरियड क्या है आपका 5, और एंड पीरियड क्या है आपका 10, सही लिख रहा हूँ मैं? सर आपने इसमें रेट नहीं लिखा, रेट रह गया क्या? अच्छा तो भी गलत दिखा रहा है, दोबारा करें। सबसे पहले रेट है आपका, रेट है आपका 15% डिवाइडेड बाय 12, उसके बाद है आपका टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 12, ये सही है अभी तक? फिर प्रेजेंट वैल्यू क्या है? यस सर, ये हम नेगेटिव में लेते थे, यस सर, पेमेंट करना है कोमा, स्टार्ट पीरियड और एंड पीरियड। अब मेरे को इतने कंफ्यूजन है कि यहाँ पर रेफरेंस देते हैं या आप नंबर लिखते हैं, पहले हम नंबर लिख के देख लेते हैं हमें किसके बीच में निकालना है। यहाँ पर पहले हमने स्टार्ट पॉइंट देखा, फिर एंड पॉइंट देखा, एंड पीरियड, कुछ छूटता है भाई, देखो क्या छूटता है सर, एंड पीरियड में B2 × C4। प्रेजेंट वैल्यू आपकी नेगेटिव, ठीक है। स्टार्ट पीरियड क्या है, जहां से कैलकुलेट करना है, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में से कैलकुलेट करना है तो 5, और कहां तक करना है 10 तक। देखो ये आपका फॉर्मूले में प्रॉब्लम बता रहा है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ भाई क्या है यार। हमें सेल रेफरेंसिंग देना है यहाँ पर, देखते रहना भाई साथ साथ, क्योंकि मैं भी नया हूं आपके तरह ही। तो कहां से लेना है हमें सेल रेफरेंसिंग, नंबर 5 से लेके 10 तक, आप ठीक है? अगर मैं इसको एंटर करूं तो ये नम डिजिट दिखा रहे हैं। अब मैं आपको रीजन बताऊं क्यों। हेलो 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 हेलो, ऊपर हमने जो लिया था नेगेटिव B1, जो कैपिटल लिया था हमने लोन, वो नेगेटिव लिया था क्योंकि हम एक स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं ले सकते अंदर, क्योंकि हम एक रेंज ऑफ इन्वेस्ट इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सेम अमाउंट नहीं रहेगा, तो ये याद रख लेना। मेरे को लॉजिकल तो नहीं पता कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, पर इसमें नेगेटिव आपका बाहर आता है, याद रखोगे कम्युलेटिव में दोनों में नेगेटिव बाहर आएगा। यस सर, ओके सर। अब चाहे रट्टा मारो या क्या करो मुझे नहीं पता, लेकिन नेगेटिव बाहर आता है। मेरे को पढ़ना पड़ेगा इसके लिए बुक, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा लॉजिकल तो कि क्या क्यों आता है बाहर। समझ आ गया क्या? यस सर। ऐसे ये लास्ट है बस, उसके बाद छुट्टी। इक्वल टू ये आप बताओगे, प्रिंसिपल निकालना है, CUMPRING। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, ये रेट, रेट क्या है आपका 15% डिवाइडेड बाय 12, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं NPR, मतलब कि B2 × C4, नहीं मतलब क्या है उसका, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 12,
ये भी ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू, मैंने बोला यहाँ पर नेगेटिव ही लेंगे पॉजिटिव लेंगे, जब भी क्यूमुलेटिव की बात होगी वो नेगेटिव बाहर आएगा, याद रखना ये, नहीं तो एरर दिखाएगा या आप उसको सॉल्व करके आ जाएंगे पूरा गलत हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी बी वन? यस सर। कोमा अब क्या है, स्टार्टिंग पीरियड, फिर वही रेंज दे देंगे, यहाँ पे हमें रेंज सेलेक्ट करना है, ठीक है, फिफ्थ टू फिफ्थ कॉमा टेंथ, ठीक है भाई, है ना। और अगर मैं ब्रैकेट बंद करके इसको क्लोज करूं तो नहीं हो रहा, नेगेटिव आना चाहिए। अरे यार एक चीज है भाई, टाइप का मतलब है यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू, अब मेरे को ये देखना पड़ेगा, ये भी कंफ्यूजन है, जीरो याद रखना भाई टाइप में, इन दोनों में, ठीक है, याद रखोगे? Yes, आपका जो लोन एंड लीज का क्वेश्चन आता है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये क्वेश्चन जो है इसमें सब कुछ हो गया आपका, लोन एंड लीज का जितनी चीजें मैंने सिखाई है इसमें, इससे तो मेरे को लगता है 20% ही आती है आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन मैं अभी सेव कर लेता हूँ और ये मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल मीट पे, गूगल क्लासरूम में, तो आप अगर किसी के पास पीसी है तो आप उसमें ट्राई कर लेना एक बार, और किसी के पास फोन है तो एक्सेल फोन में भी खुल जाता है तो वहां पर